युक्ता मुखिया को वैसे तो सिनेमा इंडस्ट्री में लगभग 2 दशक का समय हो चुका है, परंतु इन्होंने कुछ ही मूवीज में काम किया है। तो चलिए जानते हैं युक्ता मुखिया अब तक किन किन मूवीज में नजर आ चुकी हैं। युक्ता मुखिया ने मूवीज में डेब्यू 2001 में किया था। सबसे पहले वल्लम उन वसम में एक गेस्ट अपियरेंस देती नजर आई थी, यह एक तमिल मूवी थी। इसके बाद ये 2002 में प्यासा मूवी में शीतल का रोल करती नजर आई। यह एक हिंदी मूवी थी जिसमें इन्होंने लीड रोल किया। कठपुतली मूवी में इन्होंने अंजू का रोल किया था, इस मूवी में भी ये लीड रोल ही करती नजर आई। इसके बाद ये लव इन जापान नामक मूवी में गेस्ट अपियरेंस देती नजर आई। मेम साहब लॉस्ट इन ए मैरिज में इन्होंने अंजलि की भूमिका निभाई, इस मूवी में भी ये लीड रोल ही करती नजर आई थी। गुड न्यूज मूवी में इन्होंने एक IVF सेंटर पेशेंट की भूमिका निभाई थी। स्वयं सिद्धा में इन्होंने श्रेया की भूमिका निभाई, इसमें लीड रोल करती नजर आई थी। यह एक ओडिया मूवी थी। इसके अलावा युक्ता मुखिया तमिल मूवी अरंगेत्रा नाल और भोजपुरी मूवी कब कहाबा तो आई लव यू में भी नजर आ चुकी हैं। तो ये थी युक्ता मुखिया की अब तक की सभी मूवीज की लिस्ट। आपको इनकी कौन सी मूवी पसंद है हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।